हेलो एवरीवन, मीना की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल्स भरमा मिर्ची। ऐसी मिर्ची जो आपने पहले ना तो कभी खाई होगी ना देखी होगी। तो देखिए, अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर मोटी वाली मिर्ची ले ली है 250 ग्राम, और उनको अच्छे से धो लिया है। ये मिर्ची तीखी नहीं होती है बिल्कुल भी। यहाँ पर आप इस साइज़ की मिर्ची छोटी छोटी या मोटी मोटी बड़ी जैसे आप सुविधा अनुसार ले सकते हैं। और इन मिर्चियों में हम बीच में से कट लगा देते हैं बारी बारी से। यहाँ पर मैंने सभी मिर्चियों में कट लगा दिया है। और यहाँ पर हम मिर्ची की फिलिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, उसके अंदर डाल देते हैं 2 टेबल स्पून तेल। अब तेल हमारा गर्म हो गया है, उसके अंदर डालेंगे हम जीरा। जीरे को हम चटकने देते हैं, जीरा हमारा चटक गया है। तो 5 से 6 गार्लिक चॉप्ड उनको डाल देते हैं, 2 ग्रीन चिली चॉप्ड, 1 इंच जिंजर टुकड़ा चॉप्ड। अब हम इनको करछी की सहायता से चला देते हैं। अब हम डालेंगे यहाँ पर 1 अनियन चॉप्ड, इसको भी अच्छे से चला देते हैं। 1 शिमला मिर्च चॉप्ड, 1/2 टेबल स्पून क्रश किया हुआ मटर, 1 कप पत्ता गोभी चॉप्ड। हम इन सब्जियों को सिर्फ इतना पकाना है, सिर्फ इनमें से मॉइस्चर निकालनी है, बिल्कुल सॉफ्ट करना है। अब हम डालते हैं यहाँ पर ड्राई मसाले, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। हम यहाँ पर पानी का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ इस मसाले को मिक्स करना है। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब कोरिएंडर लीव्स डाल देते हैं। यहाँ पर हमारी सब्जी भी सॉफ्ट हो गई है और धनिया भी डाल दिया है। यहाँ पर हमारी मिर्ची की फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब हम फिलिंग को एक प्लेट में ठंडा करने के लिए रख देते हैं। हमारी फिलिंग यहाँ पर अब ठंडी हो चुकी है। अब हम डालते हैं यहाँ पर कच्चा आम, महीन चॉप्ड कर लिया है। आप यहाँ पर अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो फ्लेवर आप डाल सकते हैं। अब फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। जो हमने मिर्ची को बीच में से काटा था उसके अंदर हम फिलिंग भरेंगे। आप चाहो तो इसके अंदर से बीज भी निकाल सकते हैं। और फिलिंग को हम इस तरीके से भर देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने मिर्ची के अंदर फिलिंग भर दी है। अब दूसरी मिर्ची भी हम इसी तरीके से भर देते हैं। अब हम बारी बारी से सभी मिर्चियों को इसी तरीके से भर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर बारी बारी से सभी मिर्चियों को भर लिया है। आप इस रेसिपी को घर पर ट्राई ज़रूर करें। यहाँ पर हमारी सारी मिर्ची भरकर तैयार है। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल, और तेल को गर्म होने देते हैं। यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो गया है, तो 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल देते हैं। फिर से जीरा भी भून गया है। जो हमने मिर्चियों को फिलिंग के साथ भरा था, उन मिर्चियों को तेल के अंदर छोड़ेंगे बारी बारी से इसी तरीके से। और अब हम इसको एक प्लेट से ढक देते हैं, और 4-5 मिनट बाद हम इन मिर्चियों को उलट उलट कर देंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर सारी मिर्चियों को उलट पलट कर दिया है। हम फिर से ढक देते हैं। अब दोबारा से 4-5 मिनट बाद देखते हैं, तो हम फिर से मिर्चियों को जहाँ जहाँ कच्ची रह गई हैं उनको उस तरफ को उलट पलट करते हैं। देखिए, हम फिर से ढक देते हैं, और इन मिर्चियों को हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। ये देखिए, हमारी मिर्ची यहाँ पर अब बनकर तैयार है। थोड़ा सा हम फिर से उलट पलट करके दिखा रहे हैं आपको। और अब हम यहाँ पर सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए, हम बारी बारी से सभी मिर्चियों को इसी तरीके से सर्व कर रहे हैं। आप इन मिर्चियों को घर पर आए हुए मेहमानों को भी सर्व करके
खिला सकते हैं, बना सकते हैं और पूड़ी पराठों के साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप कमेंट करेंगे तभी मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँगा।